मोतिहारी में प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की ओर से 10 लाख नौकरी देने की घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में बीपीएससी के काम करने का जो तरीका है उसको ध्यान से समझा जाए तो बीपीएससी के पास एक साल में 10,000 से ज़्यादा नौकरी देने की क्षमता ही नहीं है। ये सीधे सीधे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर 4 लाख लोग 3 बार परीक्षा देने जाएंगे तो 12 लाख लोगों की परीक्षा कौन लेगा। उन्होंने आगे कहा कि जब मूर्ख व्यक्ति को आप नेता या मंत्री बना देंगे तो वो यही काम करेगा। तेजस्वी यादव ने चुनाव में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था और कहा था कि पहली कैबिनेट में आपको साइन करेंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी। ये दिखाता है कि आप कितने बड़े अज्ञानी हैं। किसी कैबिनेट के पास ये अधिकार नहीं है कि एक साइन पर नौकरी मिल जाएगी। 10 साल में बीपीएससी का जो कार्य करने का तरीका है उसको उठाकर देखिएगा। बीपीएससी पूरे साल में 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी देने की क्षमता उनके पास है ही नहीं। मतलब जितने लोगों को एप्लीकेशन लेना है, टेस्ट परीक्षा लेना है, पास करना है, उनकी क्षमता एवरेज 10,000 की भी नहीं है। आप कहां से, अगर मान लीजिए कि नियमावली सही भी है, एक बार को मान लीजिए, तो 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने में इस बीपीएससी को कम से कम 5 वर्ष लगेगा। ये तो पूरे तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं। और नियोजित शिक्षकों को कह रहे हैं कि आपको 3 अवसर है, तो 4 लाख शिक्षक अगर 3-3 बार परीक्षा देने को तैयार हो भी जाए तो 12 लाख लोगों की शिक्षा परीक्षा की बात है। ये करेगा कौन? यही होता है जब आप मूर्ख आदमी हैं, वहां बैठे हुए हैं, तो यही काम आप कीजिएगा। आप आए और चुनाव में कह दिया कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, पहली कैबिनेट में दे देंगे, एक साइन करेंगे और नौकरी मिल जाएगी। तो ये आपको दिखाता है कि आप कितने बड़े अज्ञानी हैं। किसी कैबिनेट के पास ये अधिकार है कि आप वहां साइन कीजिए, कि आपके बाबूजी का राजतंत्र है कि राजा है कि आप साइन कीजिएगा, लोगों को नौकरी मिल जाएगी। कैबिनेट ये निर्णय कर सकती है कि इतने पद सृजित किए जाएं, इतने और लोग बहाल किए जाएं। कैबिनेट नौकरी कैसे दे देगी? लेकिन बिहार में घूम घूम कर लोगों को मूर्ख बनाया गया कि पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। अब आपसे, आपके जरिए मैं पूछ रहा हूं कि भाई कैबिनेट हो नहीं रही है कि आपका कलम स्याही सब खत्म हो? 12 लाख लोगों की शिक्षा परीक्षा की बात है, ये करेगा कौन? यही होता है जब आप मूर्ख आदमी हैं, वहां बैठे हुए हैं, तो यही काम आप कीजिएगा। आप आए और चुनाव में कह दिया कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, पहली कैबिनेट में दे देंगे, एक साइन करेंगे और नौकरी मिल जाएगी। तो ये आपको दिखाता है कि आप कितने बड़े अज्ञानी हैं। किसी कैबिनेट के पास ये अधिकार है कि आप वहां साइन कीजिए, कि आपके बाबूजी का राजतंत्र है कि राजा है कि आप साइन कीजिएगा, लोगों को नौकरी मिल जाएगी। कैबिनेट ये निर्णय कर सकती है कि इतने पद सृजित किए जाएं, इतने और लोग बहाल किए जाएं। कैबिनेट नौकरी कैसे दे देगी? लेकिन बिहार में घूम घूम कर लोगों को मूर्ख बनाया गया कि पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। अब आपसे, आपके जरिए मैं पूछ रहा हूं कि भाई कैबिनेट हो नहीं रही है कि आपका कलम स्याही सब खत्म हो?